माय चैनल। तो स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। तो आज हम लोग मनाली का मनाली नहीं मतलब कि रूम छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब कोशिश कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, हम लोग रूम छोड़ रहे हैं अभी थोड़ा देर। अभी थोड़ा हम लोग तैयारी चल रहा है पैकिंग का। तो हेलो, एक बार सबको बोले गाइस, इधर देखिए, बोले एक बार गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग गाइस। तो अभी हम लोग चलते हैं रूम को चेकआउट करने। अभी हम लोग जाएंगे, लाइक के जो भी इस ब्लॉग पे जुड़ा है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ना भूले गाइस, प्लीज जो भी प्लीज गाइस सब्सक्राइब करिए उसकी आंटी मंडी संडी जो ना करे। अरे भाई इधर दिखा भाई, सब्सक्राइब करना जरूरी है जो ना करे दोस्त बन ले आंटी मंडी संडी जो सब्सक्राइब ना करे। भैया देखिए, कर दीजिए सब्सक्राइब, इस सब्सक्राइब वाले बटन को जाके टाइम नहीं लगेगा दबाने में, दबा दीजिए उसको, कहीं जैसे भी दबाना है कुछ भी दबाइए, लेकिन दबाते सब्सक्राइब कर दीजिए। नहीं कुछ भी नहीं दबाना है, सब्सक्राइब का बटन दबाना है, कुछ भी नहीं दबाना है। अरे जाके वहां दबाओ लाइक शेयर सब्सक्राइब, पता नहीं कहां दबा दिए। देखो देखो कैसे देख रहा है बिना सब्सक्राइब किए। देखिए आप, हम लोग का मैगी बन रहा है अभी, हम लोग दिखाते हैं भाई, हम लोग का बन रहा है अभी मैगी। आप जो सोचेंगे नहीं इसमें हम लोग क्या क्या बना दिए इस होटल में। देखिए हमारा इंजीनियर सेफ जो इसमें सब कुछ बना सकता है। तो गाइस एक बार मनीष मनीष अपना भाई मनीष आखिरी में डूब गया था, आखिरी में डूब गया था कल, उससे पहले मैं डिलीट किया था होटल हम लोग क्या क्या कर रहे हैं सभी बंदे। ये बंदे देखिए, ये मालिक क्या कर रहा है। तो मानी देखिए, मैं को फिर सुबह का मैं बालकनी का व्यू दिखा देता हूँ यहाँ का, मतलब विंडो का भी। ये देखिए कितना प्यारा व्यू आता है यहाँ से, देखिए कितना प्यारा मौसम। अभी धूप हुआ है बहुत तगड़ा धूप, नीचे सुनो ये है आज का। तो ये है मॉल रोड जो कि इस समय धूप हुआ है, सारे लोग इसमें बाहर निकले हुए हैं जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। इसे हम मॉल रोड के एकदम बीच पे खड़े हैं, एकदम बीच में मॉल रोड के। और अभी हम सोच रहे कहाँ निकला जाए। ये देखिए कुछ माउंटेन, सुनोपोल माउंटेन, ये होटल वगैरह है सारा, रेस्टोरेंट शॉप वगैरह सारा। एकदम मौसम खराब हुआ था, एकदम बारिश धूप बारिश था दिन भर, कल बारिश और स्नोफॉल थे। और आज का मौसम बहुत प्यारा है क्योंकि धूप हुआ हुआ है, सब बाहर निकलो क्या मौसम का सही लग रहा है, कंडीशन वगैरह तो दिखाते हैं अभी। और कुछ देख जो भी देखने लायक है यहाँ पे, यहाँ का मॉल रोड के, यहाँ आपको क्लोथिंग मिल जाएगी और सारे शॉप है, ये होटल वगैरह मॉल रोड के आपको होटल मॉल रोड पर मिल जाएंगे, सस्ते मिल जाएंगे 800 हज़ार बार, हाँ मतलब 1200 के नीचे आपको सारे होटल मिल जाएंगे यहाँ पे, इतना भी महंगा नहीं। लेकिन हाँ कई जगह चेक करना पड़ता है, मनाली के हडिम्बा देवी टेम्पल जो कि यहाँ से 1.3 किलोमीटर पड़ता है मनाली मॉल रोड से मेल। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वहीं पर। ये है स्पेशल सोया चॉप, ये हमारा रूट जाने का, ये है यहाँ का कुछ व्यू गाइस जो हम लोग जाने का। ये देखिए तेरे है क्या, HP फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है यहाँ का। तो हम लोग जा रहे हैं नेपाल में टेम्पल पैदल ही, क्योंकि ज़्यादा दूर तो है नहीं, तो इसीलिए हम लोग पैदल ही जा रहे हैं। 1.3 किलोमीटर फ्रॉम मनाली मॉल रोड। और टेम्पल हडिम्बा देवी टेम्पल ये रास्ता जाएगा, और इस वाली महादेव टेम्पल इस रूट से आप लोग जा सकते हैं।
ये हंडिम्बा देवी टेम्पल का मार्ग है। तो अभी हम ही बाई सीढ़ी हम लोग जा रहे हैं कार के लिए। आप लोग वो नीचे से रास्ता जाता है हंडिम्बा देवी टेम्पल के लिए, और ये सीढ़ी से हम लोग जा सकते हैं ऊपर। चलो गाइस देखिए कितना प्यारा व्यू है यहाँ से, और यहाँ से आप लोग को दिखता है ये। वाओ वाओ ये दिखता है यहाँ से कुछ इतना प्यारा व्यू। ये देखिए जाने के लिए है हंडिम्बा देवी टेम्पल के लिए। हम लोग पैदल वाला रास्ता चुन किए बाइक है कि कार रोड वाला लगता है कि रास्ता ज़्यादा लंबा पड़ जाएगा। ये शॉर्टकट कर सकते हैं या तो पैदल हम लोग जा सकते हैं इससे। आज हम लोग फिर से कर रहे हैं ट्रैकिंग, कल किए थे हम लोग नहीं तो नहीं होगा 10 किलोमीटर का ट्रैकिंग, आज है कम से कम नहीं तो 2 किलोमीटर का ट्रैकिंग। कच्चा है देखिए रास्ता यहाँ का, दो बंदे वहाँ पर रुके हुए हैं अभी। कभी अमरीश अरे ट्रैकिंग में ज़्यादा खतरनाक ही लग रहा है। ओ जल्दी आओ, जल्दी आओ गाइस जल्दी। That's my idea. ये देखिए भाई कभी अमरीश हम लोग यहाँ रहे 1 महीना इन्हें चल लिया जाए, स्टेमिना कितना बढ़ जाएगा। ये रहा कुछ हंडिम्बा देवी टेम्पल का ट्रैकिंग का रास्ता। चाहे तो आप गाड़ी से भी जा सकते हैं बाय रोड, कार से, बाइक से, किसी से भी। तो गाइस अभी देख रहे हैं आवाज़ से सांस खुलने लगी है। तो अमरीश कैसा लग रहा है यहाँ पे चाय करके? ये बढ़िया लग रहा है भाई, लेकिन थोड़ी थोड़ी हालत खराब हो गई। चढ़ने में तो फट रही है भाई पूरी। हमें ज्यादा ज्यादा हम लोग 1.5 किलोमीटर चढ़े होंगे। नहीं नहीं 1 किलोमीटर नहीं, हम लोग नीचे से बात कर रहे हैं। हाँ नीचे से, नीचे से हम लोग होटल से जिन्हें हम चाहे कि लगभग 1.5 किलोमीटर हो गया होगा, लेकिन इतने में ही हो सबका चेहरा देखे उतर से उतर गया। चेहरा को दिखा दो सबको, ही चेहरा के दम हालत खराब। ओ भाई भाई देखिए कितना प्यारा व्यू, ऐसा लग रहा है वाह। ओ माय गॉड यार, ओ माय गॉड, इट्स लुक लाइक हेवन। अबे हेवन दिखेगा, और क्योंकि जब हम पहुँचेंगे हंडिम्बा देवी टेम्पल कराएंगे आपको दर्शन, आप भी करिए और देखिए और व्यू का प्यार उठाइए, आनंद लिए। यहाँ तो बर्फ गिरा होगा क्या? ओह शिट, देखिए हंडिम्बा देवी टेम्पल से पहले का ये जो सामान आप लोग लेना चाहें। बस हम पहुंच गए थे लगभग 50 मीटर और आप यहां से जो भी लेना चाहे ले सकते हैं। आप ये देखिए बहुत कुछ मिलता है यहां, प्यारा प्यारा चीज। ये ड्राई फ्रूट्स बैठना फोटो नहीं भैया, 50 रुपया मान ली। तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग पहुंच गए मनाली हिमाचल प्रदेश के फेमस जगह द हंडिम्बा देवी टेम्पल। एकदम मतलब कि जंगलों के बीच में बसा है, पहाड़ों पे बीच में ये हंडिम्बा देवी टेम्पल। आप सर्दी वाला कपड़ा ले सकते हैं यहाँ पे, देखिए खरगोश कितने बड़े बड़े प्यारे से हैं। ये यहाँ पे सामान हाँ। तो वैसे ये रहा हंडिम्बा देवी टेम्पल। ए ये रहा
हडिम्बा देवी टेम्पल जंगलों के बीच में बसा है। ये देखिए, ये सब देखेंगे, इसे आप लोग आएंगे ऐसे पकड़ के और पहुंच जाएंगे सीधे हडिम्बा देवी टेम्पल। ये हडिम्बा देवी, ये देखिए, यहाँ पर स्नो दिख रहा होगा जो कि कुछ दिन पहले तक स्नो था, पूरा स्नो से ढका हुआ था, इस पर अभी देख सकते हैं स्नो है। ये सब यहाँ पे अभी स्नो था, अभी मतलब गर्मी आ रहा है ना तो इसको गल रहा है, उसकी वजह से देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पर अभी स्नो देखने को मिल सकती है आपको यहाँ पे हडिम्बा टेम्पल के पास। अरे भाई देखें आप, सूर्य मत भीगो ना अभी यार, ये वाला बर्फ अभी टाइट है ना, ये लगा ताज़ा है क्या, अभी ताज़ा है अभी ये वाला ताज़ा होता ना तो दबता, सूज तो सूख गया है। देख सकते हैं अभी भी आपको यहाँ पे सड़कों पे ये सोनू आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पे। यहाँ पैसा है तो लंबी लंबी बातें हैं क्या, देखिए यहाँ पर फोटो शूट चल रहा है, देखिए।